गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमने अपना पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट करना है, तो आप एक्साइटेड हैं? तो चलिए देखो, पॉलिटी आप बहुत अच्छे से करेंगे अगर आप मेरे साथ करेंगे। तो इसमें क्या है ना, मैं आपको साइड बाय साइड ना लक्ष्मीकांत भी लेके आपको मतलब रीड करके बताऊंगी, तो आपको ऐसा नहीं फील होएगा कि यार बुक पढ़ने में तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, यार बहुत टाइम लग रहा है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अब आप मेरे पे छोड़ दो, मैं ही आपका करवाऊंगी, सारा बुक भी मैं करवाऊंगी और इसका सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी सारा मैं ही करवाऊंगी। चलो अब आप शुरू हो जाओ। सबसे पहले पॉलिटी, अब आप स्टार्ट कर रहे हो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए गाइस, पॉलिटी वर्ड ग्रीक वर्ड पोलिस से आया था। क्या था? पोलिस। और पोलिस का मतलब होता था सिटी स्टेट। एक्चुअली एंशियंट टाइम्स में क्या होता था ना, जब हम एंशियंट टाइम्स को समझते हो ना, पुराना ज़माना मतलब बिफोर क्रिस्ट, बीसी ज़माने से पहले क्या होता था, उसमें जो बहुत छोटे छोटे उसमें राज्य बंटे होते थे, क्या होता था, राज्य बंटे होते थे, तो उसे हम सिटी स्टेट बोलते थे। पर वो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों में यार यूनिटी की भावना आई, लोगों ने नेशन स्टेट का कंसेप्ट लाया और फिर स्टेट का कंसेप्ट आ गया। तो पॉलिटी इट नथिंग, इट्स जस्ट अ स्टेट। व्हाट इज इट मीनिंग, इट स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इट इज़ द सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रन आर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी टू रन आर स्टेट। सॉरी गाइज, यार पता है मैं ना आज न्यू स्टार्ट किया है तो मुझे ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई है मेरे से ऑपरेट करने में, बट आप टेंशन ना लो, मैं विद टाइम ही सब सेट कर दूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रन द स्टेट। स्टेट को रन करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस चाहिए, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप बताओ जी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हम करते रहते हैं, पॉलिटिक्स होता है क्या है? पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स बस ये स्ट्रगल ऑफ पावर, हमें पावर का स्ट्रगल, और स्ट्रगल ऑफ पावर कहाँ, स्टेट में। अब आप बोलते हो यार ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चलती है, क्यों नहीं चलेगी, कि सबको है यार मुझे ऊपर पहुँचना, तो वो पावर का स्ट्रगल करता है। क्लास में पॉलिटिक्स चलती है आपकी, क्यों नहीं चलेगी, क्यों यार सबको है मुझे टॉपर बनना है, तो ये क्या है, पॉलिटिक्स, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। चलो अब हम इसका ना जो फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका कवर होगा किस में, हिस्ट्री में। और अगर करेंगे तो हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर आप मैं फर्स्ट समझाऊंगी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, स्पेशली जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाना स्टार्ट किया, तो इस ये हम मतलब कि कब आया ये आइडिया, कब आया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है इंडिया का, तो ये हमें स्टार्ट करना है 1934 में। सबसे पहले आइडिया कौन लेके आए, एम एन रॉय, कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, तो सबसे पहले 1934 में आया किसने, एम एन रॉय ने। 1935 ने आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम हमें करना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी आए, कौन आए अपने, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि यस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम, फ्री इंडिया गाइस ध्यान रखो, फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं। 1940 में डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और इसी को हम अगस्त ऑफर बोलते हैं। अब ये गाइस, ये अगस्त ऑफर क्या है ना, ये हम ना हिस्ट्री में करेंगे, ठीक है, या ये हम आपसे बाद में करेंगे जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर, अभी आप बस इतना ही ध्यान रखो। 1942 में सर स्टैफोर्ड किप्स आए, इंडिया आए कि चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इन्होंने ना कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दी जो कि आउटडेटेड हो चुकी थी। गांधी जी ने तो उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि इट इज़ लाइक एन आउटडेटेड चेक, क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आओ, अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी तो उस वक्त कॉम्पोजिशन क्या थी, एक्चुअली 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन आ गया था, क्या आया था, कैबिनेट मिशन, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कॉम्पोजिशन आई थी कि हमारी टोटल 389 सीट्स हैं, वो किस तरह ऐसे डिवाइड है, 296 तो सीट्स हैं उसकी ब्रिटिश में, ब्रिटिश प्रोविंसेस में, और 93 सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स की स्टेट की सीट्स हैं वो नॉमिनेटेड थी, और जो ब्रिटिश की जो सीट्स हैं वो भी दो भागों में डिवाइड है, 292 और 4 सीट्स, जो 4 सीट्स थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी और 292 सीट्स थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस की थी। जो प्रिंसली स्टेट की सीट्स थी वो नॉमिनेटेड थी, और जबकि जो ब्रिटिश की सीट्स थी वो इलेक्टेड थी। गाइस आपने समझ में आया कि जो प्रिंसली स्टेट की सीट्स थी वो नॉमिनेटेड थी और जबकि जो ब्रिटिश स्टेट की सीट्स थी वो इलेक्टेड थी। चलिए आगे, तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमने
बनाई तो वो कैसी थी? वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। गाइज ये पूछ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या होली इलेक्टेड थी या होली नॉमिनेटेड थी या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थी या क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब क्या हुआ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो इसके इलेक्शन हुए किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कब हुए? ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब ये रिजल्ट आया तो इन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स को जीता और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को जीता। इवन INC ने वहाँ भी सीट से जीता जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। ठीक है गाइस, अब हो गया, लोकसभा बन गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। लोकसभा के जैसे इलेक्शन होते हैं तो बन गए जाते हैं लोग, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इलेक्शन हुए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब क्या काम होएगा, बन गई मीटिंग्स तो करेंगे, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मकसद क्या था बनाने का, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। लोकसभा हर बार क्यों, हर 5 साल बाद क्यों नहीं बनती है, ताकि हम अपने नए पार्लियामेंट में नए लॉज बना सकें, अपने इंडिया में नए कानून अच्छे बना सकें। ठीक है, तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ काम करता कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। तो इनकी जो पहली मीटिंग थी ना वो 9 दिसंबर 1946 में थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगर ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना जो मैं आपको इस वक्त बताने वाली हूँ, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। नंबर भी याद होना चाहिए, कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुई, और प्रेसिडेंट कौन थे इसके, राजेंद्र प्रसाद। चार चीज़ें याद रखो, कहाँ हुई, कब हुई, 9 दिसंबर कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, कितने लोगों ने अटेंड किया, 211 लोगों ने, और राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे इसके HC मुखर्जी। और ये जो मीटिंग थी ना वो मुस्लिम लीग या प्रिंसिपल स्टेट्स के द्वारा अटेंड नहीं की गई, ये चीज़ को याद रखो आप। सेकेंड मीटिंग कब हुई, 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही। थर्ड मीटिंग फिर 2 दिन बाद हुई, याद रहेगा ना, 9, 2, 11 और 13, ऐसे याद रखना। थर्ड मीटिंग कब हुई, 13 दिसंबर को। इस दिन क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, मत डरो यार, आगे पढ़ेंगे, चिल्लो के पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। थर्ड मीटिंग कहाँ हुई, 13 दिसंबर को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। अब 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा, अडॉप्ट कर दिया गया असेंबली के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डरो नहीं, आगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया ना, बस खुश हो। अब हमने इसमें क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, कि इंडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक है। इंडिपेंडेंट तो पता ही है आपको कि हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, सॉवरन ये है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपने डिसीजंस के लिए किसी पे बाउंड नहीं है और ना ही हम पे कोई अपने हक जमा सकता है, तो हम सॉवरन रिपब्लिक है। रिपब्लिक पता है, रिपब्लिक ये है कि कोई भी मोनार्क नहीं रूल करेगा, ये नहीं इनहेरिडिट नहीं चलेगा, हेरिडिटरी रूल नहीं चलेगा, हम इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक हैं। अब जो क्या है, जो ब्रिटिश स्टेट्स थी उनको इंडियन स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। ये बोला कि जो पावर और अथॉरिटी है ना इंडिया की वो पीपल से ड्राइव्ड होती है। गाइस देखो, आपको UPSC कन्फ्यूज़ करेगा कि जो पावर और अथॉरिटी है वो कंट्री की वो किससे ड्राइव्ड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से या पीपल से? तो राइट आंसर इज पीपल ऑफ द इंडिया। प्रियम्बल में सबसे ऊपर लाइन लिखी है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, इसका मतलब जो पावर है अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया में है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना पार्लियामेंट के पास है, ना जुडिशरी के पास है, ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के पास है। समझ में आई, पावर किसके पास है, हम लोगों के पास है इंडिया के। सो पावर अथॉरिटी किससे ड्राइव हो रही है, पीपल से हो रही है, और पावर अथॉरिटी सिक्योर भी हो रही है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसमें हमने सेफ गार्ड दिए सबको, माइनॉरिटीज़ को, OBCs को, ट्राइबल्स को, जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, इन सबको दिया। हमने क्या कि हमें मेंटेन करनी है इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, जो भी हमारी टेरिटरीज हैं इंडिया की उसको, उसकी इंटीग्रिटी को हमने मेंटेन करना है, एंड द सॉवरन राइट्स, और उसके लैंड, एयर, सी, इनके राइट्स को हमें मेंटेन करना है। वो कौन कर रही है हमारे, आपको पता ही है, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, ठीक है। तो हमें इन सबको इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। अब इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, 1947 में।
उसकी वजह से अब कुछ चेंजेस भी हुए, क्योंकि आपको पता है हमारा क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था, पाकिस्तान बन गया था। अब जो क्यों हुआ चेंजेस, क्योंकि अभी जो एक्ट था ना वो अटेंड किया था INC ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, प्रिंसिपल स्टेट्स ने भी। इन्होंने बोला कि यस हम फुल सॉवरेन बॉडी हैं और हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मेक कर फ्रेम कर सकते हैं। अब असेंबली को दो भागों में बांट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में मतलब क्या है कि हम लॉज फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और लेजिस्लेटिव बॉडी क्या कि हम लॉज को बनाएंगे। इसका चेयरमैन बना दिया था राजेंद्र प्रसाद को, लेजिस्लेटिव बॉडी का चेयरमैन बना दिया जी.वी. मवलनकर को। ठीक है गाइस, आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्ट्रेंथ कर दिया डिक्रीज, क्योंकि पाकिस्तान बन गया ना, अब 389 से जो टोटल सीट्स थी वो 299 रहेगी। ठीक है, और दूसरा जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो सीट थी 290 थी वो 229 रहेगी, जो प्रिंसिपल स्टेट्स की पहले 93 थी वो 70 रहेगी। ये कुछ चेंजेस हुए थे। अब और क्या फंक्शंस थे, नेशनल फ्लैग याद रखना गाइस, ये स्टेट पीसेस एग्जाम्स में पूछता है। देखो UPSC में तो नहीं पूछेगा, छोटे मोटे क्वेश्चन स्टेट पीसेस में पूछ सकता है, फिर भी पता होना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। ऑफकोर्स 15 अगस्त को यार हमने झंडा फहराना, उससे पहले ही अडॉप्ट करेंगे ना। इंडिया मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में मई 1949 में किया। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद को कि हम पहला प्रेसिडेंट चुनेंगे एक ही दिन किया, 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे ये सब हमने डिसाइड किया था, क्योंकि 26 जनवरी को क्या है रिपब्लिक डे ना, तो उससे दो दिन पहले तो हमें सब डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो बस ये किया। इनेक्ट कब किया हमने, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेम हो गया था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को फ्रेम हो गया था। ठीक है, बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुलाए जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, उसमें 284 लोगों ने साइन किया था और वहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट थे, 299। एनफोर्समेंट कब हुआ, देखो गाइस ध्यान रखना, इनेक्ट कब हुआ, एनफोर्समेंट कब हुआ, बना तो हमारा कंप्लीट तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन एनफोर्समेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज, और लोगों की फीलिंग्स अटैच थी इस चीज़ से। ठीक है, इसलिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना, किसका, रिपब्लिक डे बनाने का। फाइन, अब क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है, क्रिटिसिज्म यही था कि यार ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। उन्होंने बोला बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको पता 2 साल 11 महीने कुछ इतने चले गए, मतलब नियरली 3 साल चले गए। तो ये नजरुद्दीन अहमद जी ने बोला था टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ग्रेविल ऑस्टिन जी ने बोला था कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया गया ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। लॉर्ड विस्काउंट सीमन ने बोला है कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज, और लॉयर पॉलिटिशियन की डोमिनेशन है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है गाइस, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये हमने अपना कर लिया, लाइक जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर, आप किसी कोचिंग सेंटर पर करते हो। चलो, पर हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो साथ के साथ लक्ष्मीकांत भी करेंगे ही, है ना। देखो यहीं से देखो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से क्विक रिविज़न कर लेते हैं इसकी। डिमांड 1934 में किसने करी, रुको यार, किसने करी, M.N. रॉय ने, जो कि क्या थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट। 1935 में INC ने डिमांड करी, पहली बार ऑफिशियली डिमांड करी कि फ्रेम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेम। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने INC के बिहाफ पर डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम। ठीक है, डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम अगस्त ऑफ के नाम से जानते हैं, 1940 में। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया में आए ड्राफ्ट प्रपोजल के लिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोलते कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद करेंगे। ठीक है, जिस वजह से ये क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग विच वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू टू, क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हम इंडिया को डिवाइड करना देंगे। फाइनली कैबिनेट मिशन आया वो इंडिया में, ठीक है, उसने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ टू, वो नहीं चाहता था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, इसलिए इट पुट फोर्थ द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग।
जो मैंने आपको पढ़ाया ना सारा वही है कि 1934, 1935, 1938, 40, 42 कौन कौन आया, किसने किसने क्या क्या किया, फिर भी हम आपके उसके लिए कराएंगे। कॉम्पोजिशन क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया नवंबर 1946 में। मैंने आपको बताया टोटल सेंस 89 थी, 296 किसमें ब्रिटिश इंडिया में थी, 292 उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी और 4 उसमें 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस की थी। ईच प्रोविंसल प्रोविंसेस को एलोट किया गया था सीट एज पर देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और सीट्स को हमने डिवाइड भी किया गया था अलग कम्युनिटी में, मुस्लिम सिख्स या जनरल जो भी थे, जो रिप्रेजेंटेटिव था हर कम्युनिटी का वो इलेक्टेड हुआ था बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, हर कम्युनिटी के मेंबर्स ने अपनी कि हम अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैंने बोला कि यार मुझे कौन चुनेगा, मुझे रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनेगा, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी चुनेगी। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं हिंदू, ठीक है हिंदू तो चलो था ही उस वक्त, वो तो का जनरल बोल रही है, अगर मैं बोलूँ मैं सिख हूँ तो मुझे सिख कम्युनिटी वो गिनेगी। मेरी बात समझ में आ गई, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के वो क्या थे, नॉमिनेटेड। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, नॉमिनेटेड थी। इससे क्लियर हो गया जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, हाउएवर जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंसली असेंबली। इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती। ठीक है, और जो 93 सीट्स एंड द इंडिपेंडेंट गोट द रिमेनिंग 70। हाउएवर ऑल द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली सीट वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो भी प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी उसको फिल नहीं किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के परे रहना है, हमें उसमें इंक्लूड ही नहीं होना। एक मिनट अभी यार, सॉरी। हाँ, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यार तुम कितना शोर मचाते हो, हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट प्राइज, लेकिन उसमें हर एक तबके से रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस भी थे, एससी एसटी भी थे, इंक्लूडिंग वुमेन, ये सब थे। ठीक है, अब वर्किंग बताओ जी, मैंने आपको क्या स्टार्ट किया, पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर को, क्यों मीटिंग उस वक्त 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई। मैंने ये बताया था कि मुस्लिम लीग ने उसे बॉयकट किया था, ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि पाकिस्तान आए। उस वक्त जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन उससे पहले जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने बनाया था। ये आप याद रख भी सकते हैं पर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पक्का याद होना चाहिए। और एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया। इन अदर वर्ड्स असेंबली के पास दो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या था, कि हम इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक हैं और हम अपनी फ्यूचर गवर्नेंस खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो टेरिटरीज ब्रिटिश की थी अब वो इंडिया की हो चुकी हैं, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो क्या हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। ये था। देखो इसमें सब कुछ है, आप पढ़ लो। Where the territories that now comprise British India, the territories now form Indian state and such other parts of India that are outside the India and states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign shall be the union. और जो चाह रही थी हैं खुद को वो भी इंडिया की यूनियन है। ठीक है, पावर अथॉरिटी डिराइव किससे होती है, अपने पीपल से होती है। ठीक है, और सिक्योर किसके द्वारा होती है, पीपल्स के द्वारा होती है। एडुकेट सेफगार्ड्स हमने किसके को दिया, माइनॉरिटीज बैकवर्ड ट्राइबल एयर सबको दिया हुआ है। हमारी मेंटेन करना इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक सॉवरन राइट्स लैंड सी और एयर के। एंशियंट लैंड अटेन इट्स राइटफुल एंड द ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ। रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कब, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब चेंजेस क्या हुआ इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट 28 अप्रैल 1947 में मतलब माउंटबेटन प्लान जी आए थे उसके बाद एक्सेप्ट किया गया था। तो उसके द्वारा चेंजेस क्या हुए, असेंबली को फुली सॉवरन बॉडी बना दिया गया जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी फ्रेम कर सकती है। एक्ट को एम्पावर है टू एल्ब्रो कोई भी लॉ को वो अल्टर करे जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ठीक है, असेंबली को एक फुल लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना गया। ठीक है,
वेन एवर द असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वॉज चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. मुस्लिम लीग मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया, जिस वजह से हमारी टोटल स्ट्रेंथ थी वो डिक्रीज हो गई. हर जगह से 389 से 299 होगी, ब्रिटिश सीट्स हमारी 229 होगी, प्रिंसली सीट्स हमारी 70 रह गई. मेरी बात समझ में आ गई. अदर फंक्शन और किया गया था हमने, कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी इंडियन मेंबरशिप कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में मई 1949 में अपनी मेंबरशिप कर ली थी. नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया 22 जनवरी को, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी. मैं आपको सब बता चुकी हूँ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बन गए, वो कब हमने 24 जनवरी 1950 कर ली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो काम किया था वो दो साल, मैंने आपको बताया था 18 डेज में करा था, और हमने 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेफर किया था, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था 64 लाख, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है. तो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल सेशन हुआ था, ठीक है. कमिटीज़ गाइस देखो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ना सिलेक्टिव कमिटीज़ के नाम पता होने चाहिए, खासकर ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है. कुछ कमिटीज़ बनाई थी कि हमने ये काम सौंप दिया था कि यार ये काम तू संभाल, ये काम तू संभाल, ठीक है. जैसे अभी आप लोकसभा में क्या कर लेते हैं, हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बना देते हैं ना, उसी तरह हमने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज़ बना दी थी. तो उसे चेयरमैन दिख लिया, जो पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड केयर पे इन पे वल्लभ भाई पटेल जी थे अपने, ठीक है. ये गाइज आप देख लेना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. स्टेयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है. ये सबसे फाइनेंस कुछ माइनर कमिटीज़ थे, ठीक है, आप देख लेना. अभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं ना 6 मेंबर्स, वो आपको पता होना चाहिए, ये कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और साथ में 6 मेंबर्स थे, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है. एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, एन माधव राव को रिप्लेस कर दिया था बाद में बी एल मित्तर ने, ठीक है. टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खैतान को. गाइज ये पता होना चाहिए, और ये मैं आपसे कल पूछूंगी, आपको पता होना चाहिए, लिख लेना, माँ कसम है, ठीक है. क्रिटिसाइज तो होगा ही, मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी को टुक लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट. देखो 2 साल 11 मंथ्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 मंथ से कम लिए थे ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में, उसने 141 डेज में प्रिपेयर कर दिया था. इनैक्टमेंट बोल ही चुकी हूँ यार इसकी. देखो 3 मिनट वो रीडिंग्स हुई थी, जो पहली रीडिंग हुई थी वो 4 नवंबर को हुई थी, ठीक है, और जो कि 6 नवंबर तक चली थी, 5 दिन चली थी. सेकंड रीडिंग की हुई थी, फिर ये 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी. जो थर्ड रीडिंग हुई थी वो 14 नवंबर से लेके 14 नवंबर को स्टार्ट हुई थी 1949 को. फाइनली इसको इनेक्ट किया था, पास किया था 26 नवंबर 1949 को. कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कंटेंड अ प्रीएम्बल. आप देखना प्रीएम्बल के नीचे लाइन भी लिखी है, ये याद रखना, क्योंकि ये पता है यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा डेट में आपको, ठीक है. कि इसमें उस वक्त ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या जाता है, ठीक है गाइस. एनफोर्समेंट कब हुआ था, देखो कुछ प्रोविजन तो ना, जैसे 26 नवंबर 1949 को कुछ चीज़ें थी जो हमने एनफोर्स कर दी, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 या 60, 324, 366, 367, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो उसी दिन हमने क्या कर दिया, एनफोर्स कर दिया. सिटीजनशिप से रिलेटेड है ये, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ना, ये इलेक्शन से कमीशन से रिलेटेड है. लेकिन जो रिमेनिंग प्रोविजन थे हमने उसे एनफोर्स कब किया था, मेनली 26 जनवरी 1950 से. अब हमने ये क्यों डेट किया था, क्योंकि इस वक्त हमारा क्या था, पूर्ण स्वराज्य डे को हम बनाते थे, क्योंकि हमने लाहौर सेशन में उस वक्त सोचा था, ठीक है. उसी वक्त हमने एबोलिश कर दिया था प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन है. प्रिवी काउंसिल क्या होता है, जो उस वक्त प्रिंसेस थे ना, उनको ना ब्रिटिश क्या देते थे, कुछ पैसा देते थे न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि जो उस वक्त प्रिंसेस स्टेट्स का दबदबा देते थे. आप अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे यार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो फलाना वार, ठीक है, इतने वार्स, एंग्लो सिख वार, तो जो प्रिंसेस स्टेट थे उनके, तो उन्होंने क्या किया था कि हाँ भाई आप अब अपना दबदबा ख़त्म करो,
ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट्स को वो रोब राब नहीं रहा था, तो उनको प्राइवी काउंसिल होती थी, उनको उसमें पैसा मिलता था, प्रिवी पर्स, वो हम पढ़ेंगे अभी। एक्सपर्ट्स कमेटी कौन कौन सी थी कांग्रेस की, ये कुछ इसे देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म ये मैं आपको बता चुकी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सॉवरन बॉडी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, किसने बोला था ये नजरुद्दीन अहमद ने बोला था, ठीक है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये ऑस्टिन जी ने बोला था, लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन है इसमें, ठीक है, डोमिनेटेड किसके, लोअर पॉलिटिशियन, डोमिनेटेड बाय हिंदूज है, ये किसने बोला था, साइमन जी ने बोला था। ठीक, सिमिलरली विंस्टन चर्चिल कमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली ओनली वन, चर्चिल ने भी बोल दिया था कि भी मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो एक मेजर कम्युनिटी ही डोमिनेट कर रही है, मतलब हिंदू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो पता ही, सील हमारा क्या जी, एलिफेंट है। डॉक्टर बी एन राव को अपॉइंट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, अयंगन जी को सेक्रेटरी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एस एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन, प्रेम बिहारी नारायण यादव को कैलीग्राफर, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफ किया है, ठीक है, ये सच कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, एलोकेशन सीट्स ये तो मैंने आप बता ही चुकी हूँ, तो समरी टाइप आ गई अब, ठीक है गाइस, तो अब आपके सामने है, मैंने ये सारा कवर कर दिया है, ठीक है, कौन कौन ये बताया, कौन कौन सीट को कितनी कितनी सीट्स मिली थी, ये सारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, जैसे आपके इलेक्शन होते हैं ना उसके बाद बताते हैं, ये प्रेसिडेंसी वाइज दिखा दिए, जैसे बताया था 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, सारा बता देगी, मद्रास को कितनी सीटें मिलती हैं, अब हमने क्या वो ये थोड़ा पूछेगा कितनी सीटें मिली मद्रास को, मैसूर को, पटियाला को, ऐसे थोड़ा कोई पूछेगा। फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन मैंने आपको बता ही दिया जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बस हो गया ख़त्म, एक मिनट यार। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर होता है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है मैम कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यार प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है गाइज, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।